आज के लेक्चर में हम क्लास एंजियोस्पर्मी के बारे में पढ़ेंगे। एंजियोस्पर्मी हम कहते हैं कि ये वो प्लांट्स हैं जिनके सीड्स क्लोज्ड होते हैं, ठीक है। एंजियोस्पर्मी जो वर्ड है, एंजियोस्पर्म, इसमें एंजियो का मतलब है क्लोज्ड और स्पर्म या स्पर्मी का मतलब होता है सीड। तो मतलब ये वो प्लांट्स हैं जिनके सीड्स जो हैं वो एनक्लोज्ड होते हैं, बंद होते हैं। और एनक्लोज्ड किस चीज़ के अंदर होंगे? फ्रूट के अंदर। तो गोया इन प्लांट्स के अंदर फ्रूट्स होते हैं और फ्रूट्स के अंदर जो है वो सीड्स होते हैं। तो दो चीज़ें हमने देख ली, एक तो ये कि इनके ये दे हैव एनक्लोज्ड सीड्स और एक ये कि दे हैव फ्रूट्स। ना सिर्फ फ्रूट्स होते हैं बल्कि इनके ऊपर फ्लावर्स भी होते हैं और इनके सीड्स भी होते हैं। इसके अलावा इन प्लांट्स के अंदर हम ये देखते हैं कि ओव्यूल्स जो हैं वो फोल्डेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और मार्जिन से जॉइंट होते हैं, जिसकी मदद से ओवरीज बनती हैं। तो ये हम मेंशन भी कर देते हैं कि ओव्यूल से हमारे पास ओवरीज बनती हैं। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो ओवरीज हैं ये फ्रूट में चेंज हो जाती हैं, जिसमें सीड होता है। तो ये ओवरी पहले ओव्यूल से ओवरीज बनी और ओवरीज से फिर फ्रूट बन जाएगा और सीड जो है वो इस फ्रूट के अंदर होगा। एंजियोस्पर्मी को अभी तक जो हम जानते हैं, हम कहते हैं तकरीबन 2,35,000 से लेके 3,60,000 स्पीशीज़ को हम जानते हैं, या वो नॉन स्पीशीज़ हैं इसकी। इसके अलावा इसके और करेक्टरिस्टिक्स देखें तो एक करेक्टरिस्टिक इसका ये है कि ये हेट्रोस्पोरस होते हैं, यानी में इनमें दो तरह के स्पोर्स पाए जाते हैं, और ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मीन्स कि अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। इसके अलावा इन प्लांट्स को हम कहते हैं कि दे आर हाईली इवॉल्व्ड प्लांट्स। हाईली इवॉल्व्ड इस तरह से कि ये हर चीज़ में बेहतर होते हैं, इनमें कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं और मुश्किल से मुश्किल तरीन एनवायरनमेंट में भी ये सरवाइव कर लेते हैं। यही वजह है कि ये कहलाते हैं हाईली इवॉल्व्ड प्लांट्स। तो ये हमने कुछ जनरल करेक्टरिस्टिक्स की बात कर ली। इसके बाद हम देख लेते हैं लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। लाइफ साइकिल में सबसे पहले अगर हम इसके प्लांट बॉडी को देखें तो एंजियोस्पर्म्स की जो प्लांट बॉडी है मोस्टली वो स्पोरोफाइट पर मुश्तमिल होती है। इनके अंदर डिप्लॉयड स्पोरोफाइट प्रेजेंट होते हैं, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। और डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जो है वो किन चीज़ों पर मुश्तमिल है? इसमें होते हैं रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। जैसे जैसे ये स्पोरोफाइट मैच्योर होता जाता है, उसके बाद मैच्योर्ड फॉर्म में इसमें फ्लावर्स बन जाते हैं। अब फ्लावर क्या चीज़ है? अगर टेक्निकली हम इसको देखें तो फ्लावर को हम कहते हैं कि इट इज़ अ शूट। ये एक मॉडिफाइड शूट होती है जिसमें पेडिसल, थैलेमस या टॉरस होते हैं और फ्लोरल लीव्स यानी कि सेपल, पेटल, स्टेमन्स और कार्पल्स वगैरह होते हैं। इनको अगर हम एक पिक्चर से देख लें तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये हमारे पास इमेज है एक एंजियोस्पर्मिक फ्लावर का, और फ्लावर के अंदर जिस तरह से अभी हमने नाम लिया डिफरेंट चीज़ों का, तो ये है इसके अंदर स्टेमन, स्टेमन में एंथर फिलामेंट है, इसी तरह कार्पल है, कार्पल में स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी आ जाते हैं। यहाँ पे ये आपको व्यूल दिखाई दे रहा है, ये सेपल है और ये बाहर की तरफ आपको पेटल दिखाई दे रहा है। तो ये है हमारे पास एंजियोस्पर्मिक फ्लावर। इस फ्लावर में अगर देखें तो ये वाला हिस्सा कहलाता है पेडिसल और ये हिस्सा कहलाता है, ये वाला जो है ये कहलाता है थैलेमस। अब फ्लावर में थैलेमस और फ्लोरल लीव्स इस तरह से अरेंज हुए हुए होते हैं कि वो स्टेम और लीव की तरह नहीं दिखते। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे सेपल्स और पेटल्स को देखें तो सेपल्स और पेटल्स जो हैं वो इतने ज़्यादा असेंशियल पार्ट्स नहीं हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि दे आर नॉट असेंशियल। ये एसेंशियल क्यों नहीं है? बिकॉज ये रिप्रोडक्शन में भी कोई काम नहीं करते और ना ही प्लांट के बाकी फंक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। जबकि इसके बरक्स जब हम स्टेमन और कार्पल को देखते हैं तो स्टेमन और कार्पल जो हैं वो एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं, एसेंशियल पार्ट्स हैं, बिकॉज ये दोनों ही रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं।
तो इसको भी हम मेंशन कर देते हैं कि दे आर द असेंशियल कंपोनेंट्स, असेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर। अच्छा, जब सेपल और पेटल हम कहते हैं कि असेंशियल नहीं है, ये होते क्यों हैं? इनका बहुत बड़ा फ़ायदा जो है वो पोलिनेशन में होता है। पोलिनेशन में इस तरह से कि इनकी खुशबू और इनकी रंगों की वजह से इनके ऊपर इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। और जब इंसेक्ट्स इनके ऊपर आते हैं तो वो इंसेक्ट पोलिनेशन में हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा सेपल और पेटल का एक और काम है, वो ये कि वो स्टेमन और कापल को प्रोटेक्ट करते हैं। और जब एक दफ़ा पोलिनेशन हो जाती है तो उसके बाद इस तरह से होता है कि ये जो पेटल्स हैं, तमाम के तमाम पेटल्स ये झड़ जाते हैं, यानी कि इस प्लांट में से बिल्कुल टूट के अलग हो जाएंगे। और पेटल्स तो सभी अलग हो जाते हैं, लेकिन कुछ सेपल्स अटैच रहते हैं और बाकी सेपल्स भी अलग हो जाते हैं या झड़ जाते हैं। इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर जो आप यहाँ देख सकते हैं वो है एंथर, ठीक है। यहाँ पे ये आपको एंथर बना हुआ दिख रहा है। एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है, जिसके अंदर हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनते हैं। एंथर के अंदर हमने कहा कि माइक्रोस्पोर होते हैं, यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं, और हर माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। ये हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स होते हैं और मियोसिस के थ्रू बनते हैं। और हर माइक्रोस्पोर से जब ये हर माइक्रोस्पोर जब जर्मिनेट करता है तो मेल गमीटोफाइट बनते हैं, मेल गमीटोफाइट। तो ऐसे माइक्रोस्पोर जैसे मेल गैमेटोफाइट बने, इसको हम पोलन भी कहते हैं। तो ये हमने एंथर्स को देख लिया। इसके बाद यहाँ पे अगर आप गौर करें तो आपको कार्पल्स दिख रहे होंगे। कार्पल किन चीज़ों पर मुश्तमिल है? कार्पल के अंदर होते हैं स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। यहाँ पे ओवरी को अगर आप गौर से देखें तो इसके अंदर आपको ओव्यूल दिखाई दे रहा है, और इस ओव्यूल के ऊपर एक इंटेगमेंट या एक लेयर होती है जो इसको प्रोटेक्ट करती है, और उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। तो ये हमने देख लिया स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। इसके बाद हम पोलिनेशन को देख लेते हैं। पोलिनेशन में क्या होता है? पोलिनेशन एक ऐसा स्टेप है जिसमें पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा तक जाते हैं और वहाँ पर जर्मिनेट करके पोलन ट्यूब्स बनाते हैं। ये हमारे पास पोलन ग्रेन्स और स्टिग्मा पर जाके पोलन ट्यूब्स बनाते हैं। अब माइक्रोस्पोर को जब हम देखते हैं तो माइक्रोस्पोर के न्यूक्लियस के अंदर दो मेल गैमीट्स बनते हैं और एक ट्यूब न्यूक्लियस बनता है। ये दो मेल गैमीट और एक ट्यूब न्यूक्लियस, इस स्टेज पे पोलन ग्रेन को हम मेल गैमीटोफाइट कहते हैं। ये हमने देख लिया माइक्रोस्पोर को या मेल गैमीटोफाइट को। इसके साथ ही साथ, या आप कह लें कि इसके पैरेलल में एक और स्टेप हो रहा होता है, और वो ये है कि ओव्यूल में कुछ चेंजेस होती है जिनसे फीमेल स्पोर यानी कि मेगास्पोर बनते हैं। इस फ्लावर के अंदर अगर आप देखें तो आपको यहाँ दिख रहा है कि ये एंथर और फिलामेंट ये क्या है, ये मेल गैमीटोफाइट का पार्ट है, ठीक है। जबकि ये जो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी ये क्या है, ये फीमेल गैमीटोफाइट का पार्ट है। तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि ओव्यूल में कुछ चेंजेस होती हैं जिनसे फीमेल स्पोर या मेगास्पोर बनता है, और मेगास्पोर डेवलप करके फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। यहाँ फीमेल गैमेटोफाइट में, हर फीमेल गैमेटोफाइट में 7 सेल्स बनेंगे, या हर फीमेल गैमेटोफाइट 7 सेल्स पर मुश्तमिल होता है, जिनमें से एक सेल जो है वो ओस्पोर बनाता है, ओस्पोर। अच्छा, जब पोलिनेशन हो जाती है तो होता क्या है कि एंथर्स में से पोलन ग्रेन्स निकल के स्टिग्मा तक चले जाते हैं। इनको अगर रेड कलर से हम शो करें तो एंथर्स में यहाँ पे होते हैं पोलन ग्रेन्स जो कि मूव करके चले जाते हैं स्टिग्मा तक, और यहाँ पे वो बनाते हैं पोलन ट्यूब। और पोलन ट्यूब क्या करती है, ये जो पोलन्स हैं ये ग्रो करते हैं और एक ट्यूब बनाते हैं जो कि यहाँ अंदर तक जाती है। तो पोलन ट्यूब हमने देख ली, ये ग्रो करके पहले तो ये ओव्यूल में एंटर होती है और उसके बाद फीमेल गैमेटोफाइट तक पहुंच जाती है। तो यहाँ हमने कहा था कि हर जो माइक्रोस्पोर है वो दो मेल गैमीट्स में और एक ट्यूब न्यूक्लियस में डिवाइड होगा। तो ये जो दो मेल गैमीट्स थे हमारे पास, वो यहाँ पे आके डिस्चार्ज होते हैं, और इनमें दो में से एक गैमीट जो है वो एग के साथ फ्यूज करके ओस्पोर बनाता है, जबकि जो दूसरा गैमीट है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करके एंडोस्पर्म बनाता है। इस इमेज के अंदर अगर आप देखें तो आपको ये प्रोसेस बहुत डिटेल में दिखाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपको सी
ग्रीन कलर में एक एग न्यूक्लियस दिखाया गया है, जबकि इसके साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं पोलर न्यूक्लियाई। अब पोलन ग्रेन्स जो है, यहाँ पे आपको एक पोलन ग्रेन दिखाया गया है। पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा तक आते हैं, यहाँ पे पोलन ट्यूब्स ग्रो करती हैं। पोलन ट्यूब जो है वो इन पोलन ग्रेन्स को लेकर एग तक पहुँच जाते हैं और यहाँ पे ये एग को एग के साथ फ्यूज करके इसको फर्टिलाइज करते हैं। अब क्योंकि दो मेल गेमीट्स थे तो एक गेमीट जो है वो एग के साथ फ्यूज करता है और एक जाइगोट बना देता है, जबकि जो दूसरा गेमीट है वो इन पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करके एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना देता है। तो अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ, हमारे पास एक जाइगोट बन गया और एक हमारे पास एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया। अब इस एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का क्या काम है, ये एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है, यानी कि इसके अंदर न्यूट्रिशन होती है, फूड स्टोर होती है, क्योंकि जब भी इस सीड ने जर्मिनेट करना होगा तो ये एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से ही फूड लेगा। और ये जो स्टेप है जिसके अंदर हमने देखा कि दो मेल गेमीट्स थे, एक गेमीट जो है वो एग के साथ फ्यूज हो गया और दूसरा जो है वो पोलर न्यूक्लियस के साथ, तो इस स्टेप को हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। और इसके बाद जब हमारे पास जाइगोट बना, जाइगोट ग्रो करेगा, उसके बाद हमारे पास बनेगी एम्ब्रियो और ये एम्ब्रियो ग्रो करके एक न्यू स्पोरोफाइट प्लांट बना देंगे। तो ये हमने देख लिया पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन को। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं सीड फॉर्मेशन, यानी कि एंजियोस्पर्म्स में सीड किस तरह से बनते हैं। अभी तक जितनी भी हमने डिस्कशन की इसमें काफ़ी हद तक आप समझ भी चुके होंगे कि सीड किस तरह से बन रहा है। अच्छा, अब अगर आप याद करें, हमने कहा था कि ओव्यूल के ऊपर एक इंटेगमेंट प्रेजेंट होगी, इंटेगमेंट या प्रोटेक्टिव लेयर्स। ये जो प्रोटेक्टेड लेयर्स हैं ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसे हम कहते हैं टेस्टा, टेस्टा एंड टेगमेन। और ओवरी की जो वॉल होती है वो डेवलप करके फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, तो इस तरह से हमारे पास फ्रूट बनता है। इस फिगर के अंदर अगर हम देखें कि फ्रूट क्या चीज़ है, तो जहाँ पे जब हमारे पास सीड है, इस सीड के ऊपर इसकी जो वॉल है वो डेवलप होती है और ये बनाता है फ्रूट। अब इस फ्रूट के अंदर ये जो सीड है ये कुछ अर्सा तो इसी तरह रहता है, जिसे हम कहते हैं रेस्ट पीरियड, तो ये कुछ अर्सा तो रेस्ट पीरियड में रहते हैं, लेकिन फिर जब कंडीशन सूटेबल होती हैं तो ये जर्मिनेट कर लेता है और जर्मिनेट करके एक सीडलिंग बनाता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको सीडलिंग दिखाया गया है। सीडलिंग क्या है, सीड से ग्रो होने वाला फर्स्ट प्लांट जो होता है उसे हम सीडलिंग कहते हैं। और ये सीडलिंग जो है ये ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता चेंज होके ग्रो करके एक न्यू स्पोरोफाइट बना देते हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया कि इस पोर्शन में हमारे पास गेमिटोफाइट था, ठीक है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्पोरोफाइट बन गए। इस तरह से हम देखते हैं कि स्पोरोफाइट और गेमिटोफाइट रेगुलरली ऑल्टरनेट करते जाते हैं। एक दफ़ा हम इसके लाइफ साइकिल को समराइज कर लेते हैं। स्पोरेंजियम से हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास एक मैच्योर स्पोरेंजियम है और उसके ऊपर एक फ्लावर है, और फ्लावर को अगर हम डिटेल में देखें तो हम देख रहे हैं कि इसके ऊपर एंथर है और यहाँ पे स्टिग्मा है, और एंथर्स के अंदर क्या है, पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं और पोलन ग्रेन्स जो हैं यहाँ पर डिस्पर्स होते दिखाई दे रहे हैं। ये डिस्पर्स होकर कहाँ जाते हैं, ये जाते हैं स्टिग्मा के ऊपर, और स्टिग्मा के अंदर यहाँ पर पोलन ट्यूब ग्रो करती है जो कि इन एंथर्स को या इन मेल गेमीट्स को ओवरी नहीं एग तक लेके आते हैं। अब यहाँ पे हमने पढ़ा था कि दो मेल गेमीट्स होते हैं, एक एग के साथ फ्यूज़ करता है और दूसरा एंडोस्पर्म न्यूक्लियर के साथ फ्यूज़ करता है, और हमारे पास बनता क्या है, एक हमारे पास जाइगोट बन जाता है और एक हमारे पास एंडोस्पर्म बन जाता है। तो ये हमने देख लिया फर्टिलाइजेशन को। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या स्टेप होता है, इसके बाद ये होता है कि जो जाइगोट है ये ग्रो करता है और ये एम्ब्रियो की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जबकि इसके साथ साथ एक लेयर, एक इंटेगमेंट इसके गेट बन जाती है, जिससे बेसिकली ये जो ओवरी है ये कन्वर्ट हो जाती है इनटू सीड। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सीड बन गया। अब सीड के ऊपर हमने कहा था कि सेल्स ग्रो करते हैं, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि सीड है और सीड के ऊपर कुछ सेल्स ग्रो करके उन्होंने एक फ्रूट की शक्ल इख्तियार कर ली है। आमतौर पे जब भी हम फ्रूट्स को देखते हैं तो वो इसी तरह से होते हैं कि उनके गिर्द एक सीड होता है और सीड के गिर्द जो है वो उस फ्रूट का कोई गूदा वगैरह जो भी चीज़ होती है वो उसके अराउंड प्रेजेंट होती है। तो ये है फ्रूट, फ्रूट के अंदर सीड है और सीड जो है जब वो जर्मिनेट करता है, उगता है, तो उसके अंदर सीडलिंग बनता है, ठीक है, सीडलिंग से फिर मैच्योर स्पोरोफाइट बनता है, और ये जो प्रोसेस है ये इसी तरह से साइक्लिक फॉर्म में चलता रहता है।
सीड फॉर्मेशन का जो स्टेप है इसको अगर हम रिवाइज करें, इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे, यहाँ से अगर हम स्टार्ट लें सीडलिंग से, सीडलिंग जब ग्रो करते हैं तो हमारे पास एक मेच्योर प्लांट बनता है, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट के ऊपर होते हैं एंथर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको एंथर्स दिखाए गए हैं। एंथर्स के अंदर क्या बनते हैं, इसके अंदर बनते हैं पोलन ग्रेन्स या मेल गैमीट्स। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से पोलन ग्रेन्स आपको दिखाए गए हैं जो कि आके फॉल करते हैं स्टिग्मा के ऊपर, और पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे जब गिरते हैं तो यहाँ पे एक पोलन ट्यूब बनती है जो कि अंदर तक जाती है फीमेल गैमेटोफाइट तक, और यहाँ पे जाके पोलन ग्रेन जो है या मेल गैमीट्स जो है वो फ्यूज करते हैं एग के साथ और एक जाइगोट बन जाता है। जाइगोट डेवलप करके एम्ब्रियो बनाता है, जबकि सीड के गिर्द एक और कोटिंग आ जाती है। और जब एम्ब्रियो मजीद डेवलप होता है तो हम देखते हैं कि सीड के भी अराउंड एक और कोटिंग आगे है जो कि फ्रूट है, ठीक है, जो फ्रूट की बॉडी है। ये यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये फ्रूट बन गया, और इस फ्रूट में से ये जो सीड है ये दोबारा जब जर्मिनेट करेगा तो हमारे पास एक सीडलिंग और फिर उससे स्पोरोफाइट बन जाएगा। तो ये हमने देख लिया सीड फॉर्मेशन को। एक दफ़ा आज के लेक्चर को हम समराइज कर लेते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज सबसे पहले हमने बात की क्लास एंजियोस्पर्मे के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उसके बाद हमने एंजियोस्पर्मे के प्लांट बॉडी को देख लिया और फ्लावर के साथ हमने इसको डिटेल में पढ़ लिया, फ्लावर के कौन कौन से पार्ट क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं इनको हमने देखा। इसके बाद हमने पोलिनेशन का स्टेप देखा, पोलिनेशन के बाद होती है फर्टिलाइजेशन, उसको हमने देखा, और फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है सीड, तो फिर उसके बाद हमने देख लिया सीड फॉर्मेशन को। तो ये था हमारा आज का लेक्चर।